तो कश्मीर, ऊपर से मैं टूरिस्ट। मिल गया परमिट। सब ब्यूटीफुल पीपल की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो, आज है हमारा ट्रिप का डे थ्री। आज है डे फोर और हम हैं सोनमार्ग में। सोनमार्ग से हम श्रीनगर से होते हुए हम जाएंगे गुलमर्ग। गुलमर्ग में रात को स्टे करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद वहाँ से स्टे अगले जर्नी में जाएंगे। हम बताऊँगा, अभी आपको पता है मेरा डिसाइड नहीं होता है, मैं अभी हो सकता है गुलमर्ग भी चेंज हो जाए। सो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं मेरा रूम था, ये वाला बहुत अच्छा रूम था, नींद भी बढ़िया आई, सुबह सुबह यहाँ बैठ के चाय भी पी, बढ़िया रहा। और तो और एक और चीज़ दिखाता हूँ, रात को मैंने बाइक यहाँ खड़ी करी हुई थी, सो सी बाइक के ऊपर बर्फ़ जम गई है बाइक पे। तो वो बता रहे हैं, कह रहे रात को -1 या 2 डिग्री तक चले गए। सो, बर्फ़ जम गई है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, नीचे वार्मर भी है। सो, फटाफट से एक काम करते हैं, एक कप चाय और मंगवाइए, भैया लेके आए हैं, पहले चाय पीते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लोकल सा घूमना है, उसके बाद निकलते हैं सोनमार्ग के लिए। तो चलो, ओके बाय। बड़े सारे नए सब्सक्राइबर मिल गए। अरे एक काम रह गया, जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे अपना स्टिकर लगाना चाहिए, वो नहीं लगाया, फटाफट से पहले वो लगाते हैं। एक सिलेक्ट कर, ये ठीक है। सो, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करवाया एक कलर, ब्लैक अच्छा लगा तो यहाँ पे हम ब्लैक स्टिकर लगाएंगे। सो, ये देखो, तो फिर निकलते हैं फटाफट से कैरन। चलो, ओके भैया, बाय। सो, फटाफट से निकलते हैं अब कैरन के लिए, जर्नी हमारी अगली स्टार्ट है। अब देखते हैं कहाँ तक ये बाइक जाती है और ये रुकती है। सो, अभी कुछ डिस्कशन हुई भैया से, तो उसमें हमने डिसाइड किया कि हम अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। बेसिकली उन्होंने बताया कि गुलमर्ग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा ये है, तो गुलमर्ग से ज़्यादा बेटर है कि आप कैरन चले जाओ। सो, अब मैं जा रहा हूँ कैरन। ये बेनिफिट होता है सोलो राइड्स में कि आप अपनी लोकेशन कभी भी चेंज कर सकते हो, किसी को आपने ये नहीं पूछना कि मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। ये जो स्नो है ये सारी 1-2 दिन पहले पड़ी है, ये भी बिल्कुल फ्रेश स्नो है और बहुत पास में है, मतलब ये लगा लो कि इस पीछे की पहाड़ी जो है यही वाली है। हैव अ लुक टू दिस प्लेस। ये अंदर से एक रास्ता जाता है, तो मैंने कहा बाहर वाला रास्ता तो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इट्स बेटर कि मैं अंदर से जाऊं ताकि ये छोटा रास्ता भी देख सकूं कि कितना छोटा है। मुझे नहीं लग रहा ये ज़्यादा छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे जाम भी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ से लोग यहाँ से आ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो तोड़ा भी हुआ है, ऑफ रोडिंग भी है इसमें, तो मज़ा आ गया, ऑफ रोडिंग अब मज़ा आ गया। चलो, छोटी सी ऑफ रोड थी, अब चलते हैं हम आगे। तो जब हम श्रीनगर से आते हैं तो हम आते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से हम सोनमार्ग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अगर हमें जाना है कैरन तो हमें जाना है यहाँ से यू टर्न लेके, सोनमार्ग से आते हुए यू टर्न लेके कैरन के लिए। जीपीएस वाली आंटी तो यही बता रही है।
बाकी हम आगे जाके अभी किसी से कंफर्म भी करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। कर लिया है हमने कैरन का रूट यही है, बट हमें उपवारा रुकना पड़ेगा, उपवारा से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी आर्मी से, और देन वहाँ से हमें कैरन के लिए जा सकते हैं। तो परमिशन उन्होंने बताया कि ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है, परमिशन वो दे देते हैं, टूरिस्ट हो तो दे देंगे आराम से, बट जैसे कोई पर्टिकुलर जम्मू का होता है उनको नहीं देते हैं। ये रूट जाता है उपवारा की तरफ और वहाँ से आगे का रूट बनेगा हमारा कैरन की तरफ। सो ये रूट बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा पीछे निकल चुका है तो मैंने कहा यार ये तो दिखाना बनता ही है। सो मुझे लग रहा है ये ना सेब के बाग हैं, क्योंकि मैं पीछे देख रहा था कोई सेब तोड़ रहा था, तो मैं एक बार जाता हूँ और उनसे पता करता हूँ कि अगर ये सेब के, हाँ बिल्कुल ये सेब के बाग हैं। तो चलो फटाफट से अंदर से दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, अगर कुछ नज़र में मार सकूँ तो। भैया हमारे लिए एक एप्पल लाए हैं, ये खाएंगे अभी हम। तो इनका ये कौन से है, इनका कोई नाम है या? हाँ जी रियल डिलीशियस। अच्छा रियल डिलीशियस, तो मैं पहले खाता हूँ फिर बताता हूँ कि कैसे थे। तो अभी मैंने एप्पल खाए बड़े अच्छे से, मज़ा आ गया। तो उन्होंने मुझे 6-7 और दिए, थोड़ी देर बातें करी। तो ये होता है जब थोड़ी देर बातें करो ना, तो उसके बाद अच्छे से बातचीत हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा और दिए, कहते ये भी लेके जाओ, ये आप घर पे लेके जाओ। मैंने कहा हाँ ये सही है। तो उन्होंने मुझे यहाँ का बताया कि अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एक बार चलता हूँ अंदर देख के आता हूँ। ये एक और बाग है जहाँ पे ये फ्रूट्स, ये एप्पल थोड़े अलग हैं। ये कौन से एप्पल है? डिलीशियन। तो ये कहाँ जाते हैं? हर जगह जाते हैं। अच्छा ये हर जगह जाते हैं, अच्छा अच्छा। तो ये वाले ये हैं डिलीशियन। आपको क्या लेना है, अमेरिका? नहीं नहीं मेरे को तो, मतलब मैं तो घूमने आया हूँ, या चलो मैं देख रहा था, शूट कर रहे हैं। हाँ मैं कैरन जा रहा हूँ ना। आप कहाँ का है? मैं दिल्ली का, तो कश्मीर घूमने आया हुआ था। चलो यश करा वीडियो को और हवा लायो। चलो तो ये देखो ये सारे पैकिंग हो रही है और पैकिंग होके अब ये आगे डिलीवर होगी। बहुत सही किया ये डिसीजन लेके कि मैं यहाँ रुक गया दोनों जगह पे। तो कम से कम नहीं तो एक दर्जन सेब मुझे अलग अलग वैरायटी के मिले हैं, सब ने दिए मुझे। तो अमेरिकन एप्पल मेरे पास पहले था, फिर एक डिलीशियन नाम का एक एप्पल आता है, सो वो भी दिया उन्होंने मुझे। तो वो मैंने खाया भी, मैं बता रहा हूँ मैंने इतना जूसी एप्पल मैंने कभी नहीं खाया था। तो इतना जूसी एप्पल था, मज़ा आ गया खा के। सो अब अगर किसी ने मुझे कुछ दे दिया ना, कोई एप्पल या कोई फ्रूट दे दिया, मेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। तो इतने कम से कम दर्जन है, दर्जन तो हैं, दर्जन से ज़्यादा ही हैं। तो मेरे पास अब इतने एप्पल आ गए हैं, अब अगर किसी ने कुछ दिया मुझे एक बैग खरीदना पड़ेगा जिसमें रख के मैं घर लेके जा सकूँ। सो कैरन है यहाँ से करीब 150 होना चाहिए, राइट? तो उस हिसाब से देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें। अभी मैंने ग्लव्स निकाल दिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बिना ग्लव्स के चलाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। सो यहाँ पे देखोगे आर्मी का पूरी स्टिकनेस है फुल ऑन। जो कैरन है ना वो बॉर्डर एरिया है बिल्कुल, जो पीओके को टच करता है बिल्कुल, और जो हमारी पीओके वाली लाइन है वो भी वहीं पे ही है बॉर्डर, तो वो भी दिखेगा। मुझे मिल गया जो फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना है, और उसके साथ उन्होंने मुझे परमिशन के लिए उन्होंने बताया है कि करालपुरा है एक जगह है, वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी। तो वहाँ से परमिशन लेके फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे। तो भाई लोगों
बहुत मशक्कत करने के बाद हमें फाइनली मिल गया परमिट। देख लो साइन आ गए पुलिस स्टेशन करालपुरा, पुलिस स्टेशन करालपुरा राइट। ऊपर मैंने छुपाया हुआ है क्योंकि मेरी डिटेल्स हैं। फाइनली परमिशन मिल गई और अब हम जा रहे हैं, ये लो नाम देख लो, अब हम जा रहे हैं करालपुरा, लेट्स गो। सो SHO सर भी अच्छे थे, मैं सही बताऊँ मैं ना अंदर जाते हुए डर रहा था थोड़ा, क्योंकि वो किसी के ऊपर बोल रहे थे, किसी को डांट रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे से बात करी तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। सो पहले मुझे भी डर लगा था, लेकिन बाद में मुझे ना मैंने कहा ये तो चिल माहौल है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उन्होंने मेरे से तो बहुत अच्छे से बात करी, बट वो किसी को ऑलरेडी डांट रहे थे। सो निकलते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से, ताकि वो उन्होंने बताया है कि कहीं उन्हें कि वहाँ पे थोड़ी सी उसके वहाँ तो इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन जो रूट है वहाँ जाने के लिए वो थोड़ा सा ठंडा होगा। सो लेट्स गो। कैरन कितनी दूर है यहाँ से? हाँ ये नहीं दिखा रहा यार, ये तो धोखेबाज है। क्या? ये तो धोखेबाज है, ये तो गलत ही रूट बताता है। किलोमीटर दिखाया, किलोमीटर है ना? हाँ होगा शायद। चलो ये मिल गया हमें, भाई लोग मिल गए हमारे। भाई कितना जाम है आगे? है? जाम आगे तक है? हाँ हाँ। अच्छा ये तो मुझे लग रहा बर्फ पड़ने लग जाएगी। ये है चौकी बाल। सो अगर हमें कैरन जाना है तो उसके लिए ये जगह क्रॉस करनी पड़ती है। कैरन कैरन तो उन्होंने अभी तो परमिट नहीं मांगा मुझसे, तो उन्होंने सिंपली मुझसे पूछा कहाँ, मैंने कहा कैरन, कैरे जाओ। सो अभी देख रहे हो आप हल्की सी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। सो अभी कल पीछे काफ़ी रास्ते में व्लॉग नहीं कर पाया, रीज़न क्या था कि वो आर्मी का एरिया था और उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप इतने से इतने एरिया में कोई कैमरा नहीं यूज़ करोगे और बाइक बिल्कुल धीरे चलाओगे, तो उनके रूल्स बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। अब कैरन है यहाँ से 27 किलोमीटर, जो कि अब पूरी डाउन हिल है, अब फिर ख़त्म होगी। उन्होंने बताया कह रहे हैं अब आपको डाउन हिल मिलेगी और आगे कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ता जो है ना बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू इवन मेरे लिए, मैंने सुना भी पहली बार था। देखने की तो चलो बात अलग है ना, लेकिन सुना भी मैंने कैरन पहली बार सुना था। तो अभी हुआ क्या था कि मैं अपने होटल में था ना, तो तब उन्होंने बताया था, जब मैं मतलब उधर था वारवन में, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो उसने बताया था कैरन भी है। फिर मैं रास्ते में पूछता हुआ जा रहा था, तो फिर जब मैं सोनमार्ग में था, उन्होंने कहा कि आप गुलमर्ग जाओगे वो तो ऐसे ही है जैसा ये है, आप कैरन जाओ, परमिशन मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाती है। सो एक चीज़ की और मैं तारीफ़ करूं, जो SHO थे जिन्होंने परमिशन दी थी वो भी बहुत सही थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी मेरे से, सारा उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने नहीं पूछा मेरे को, जो आर्मी वाले ने उन्होंने पूछा था, कहते ड्रोन है, मैं कहा नहीं है। फिर उन्होंने 2-3 बार मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं है, कह रहे ठीक है। तो फिर जो वो थे जिनसे बातचीत अच्छे से हो रही थी, वो कहते देखो अगर है या और वहाँ आगे पकड़े, उन्होंने ड्रोन देख लिया, तो फिर मिलेगा नहीं वापस, वो जब्त हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत। सो सब बढ़िया था, चलते हैं फटाफट से कैरन पहुँच के, वहाँ पर आपसे बातचीत करते हैं। मेरे को लग रहा है कि रात को ना बुखारी लगवा के मेरे को थोड़े से अपने क्लोथ्स को सुखाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा नहीं हो रही, बोल बूंदाबांदी हो रही है, और जैसा भी आपने पिछले 1-2 क्लिप्स में देखा होगा, जो बर्फ़ पड़ रही थी, क्या मज़ेदार, हल्की हल्की पड़ी थी, हो सकता है रात को ज़्यादा भी पड़ जाए। एक और चेक पोस्ट हो गया, अब उन्होंने बताया कि एक चेक पोस्ट और आएगा जो क्लियर करवाना है। यहाँ देखोगे ना तो वो पूरा चेकिंग करते हैं कि गाड़ियाँ हैं तो उसमें क्या क्या सामान है, बट मेरे से नहीं उन्होंने पूछा ज़्यादा, सिंपली पूछते थे। इस बार तो अभी जो थे इन्होंने मेरा नंबर भी लिया, तो कहते कि कुछ दिल्ली में काम है, थोड़ा हेल्प करा देना। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, आप काम बताओ, दिल्ली अपनी है पूरी।
सो चलते हैं। उन्होंने बताया कि आधे घंटे का लगेगा टाइम अगर मैं 30-40 की स्पीड पे चलाता हूँ, और नहीं तो ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे देखो फूल कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये देखो। तो अभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वाइट खिले हुए हैं पूरे, आगे तक है पूरे सारे। चलो कुछ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरी बातों से एंजॉय करो। सो दिस इज़ अ फाइनल चेक पोस्ट। तो अभी फाइनल चेक पोस्ट क्लियर हो गया, उन्होंने मेरे को सारा बता दिया कि आपको अच्छा होटल कहाँ मिल जाएगा, सही पे सही सा होटल वहाँ पे। सो उन्होंने और मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड रखा है यार लास्ट चेक पोस्ट पे, तो वो कहते कि कल जब आप आओगे एंट्री करवाओगे तो आपको चेक आधार कार्ड आपका वापस मिल जाएगा। मैं कहा ठीक है सही है। सो ये भी सही है, आर्मी का रूल्स आर्मी के प्रॉपर होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनके रूल सारे मानने चाहिए। सो अभी जिस होटल में रहे हैं इनका होटल है ये, अभी हो सकता है ब्लैक दिख रहा हो तो कल सुबह दिखाऊंगा अच्छे से। ये होटल है, अब आपको सस्पेंस दिखाऊं, ये जो ये सब दिख रहे हो ना ये लाइट्स, ये सारी पाकिस्तान की हैं। और मेरे साथ क्या हुआ कि अभी मैं आगे जा रहा था, मेरे को एक होटल दिखा बड़ा अच्छा था, तो मैं उस दर जाने का रास्ता पूछ रहा था किसी से, तो जिनसे पूछा वो कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान का होटल है। सो बाकी डिटेल मैं कल बताऊंगा, ये सस्पेंस रहता है आज के व्लॉग में। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद बाय बाय।